शरीर के साथ चक्रों की तरह धरती के भी हैं शक्तिपुंज। जानिए कहाँ कहाँ शरीर के चक्रों का संबंध धरती के चक्रों से भी है। पृथ्वी के भी चक्र होते हैं जो शरीर की तर्ज पर काम करते हैं। इन शक्तिपुंजों की ओर ध्यान देना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। शरीर के चक्रों की बात हिंदू शास्त्रों में होती रहती है, अब तांत्रिक बुद्धिज़्म में भी इसका जिक्र मिलता है। माना जाता है कि साधना और मेहनत से इन चक्रों को जागृत किया जा सकता है, जिससे किसी भी तरह की बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इनका मुख्य काम हीलिंग यानी चिकित्सा है, जिसमें दवाओं के बिना केवल साधना से ही उपचार होता है। शरीर में 7 शक्तिपुंज होते हैं जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। इसी तरह से धरती में भी शक्तिपुंज हैं। ये धरती के पावर पॉइंट हैं, जैसे शरीर के अलग अलग पावर पॉइंट होते हैं। माना जाता है कि अगर हम धरती के इन शक्तिपुंजों पर समय बिताएं, तो ये बिल्कुल शरीर के जागृत चक्रों की तरह रिजल्ट देते हैं। धरती के चक्रों के बारे में हाल ही में बात शुरू हुई। ये वो जगह हैं जहां धरती की ताकत दूसरी जगहों से कहीं ज़्यादा होती है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर में मस्तिष्क के बीचों बीच या नाभि स्थल पर चक्र काफ़ी ताकतवर होते हैं। हालांकि धरती के इन चक्रों के बारे में पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन शुरुआती रिसर्च के मुताबिक ये कुछ खास जगहों पर हैं। इनमें से पहला पृथ्वी चक्र अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। माउंट शास्ता नाम के पर्वतीय श्रृंखला पर बसे इस चक्र को गौर से देखने पर 4 पंखुड़ियों वाला कमल दिखता है। यहाँ जाने पर मन को काफ़ी शांति मिलती है और सैलानी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर इस जगह पर जाने वाले अक्सर किसी आध्यात्मिक ताकत की बात करते हैं। पेरू और बोलीविया के बीच एक चक्र है जिसे सेक्रल या दूसरा चक्र भी कहते हैं। ये तितिकाका नाम की एक झील है। यहाँ जाने वाले अपने आप ही असीम शांति महसूस करते हैं। कुछ समय पहले ही पुरातत्वविदों ने इस झील के भीतर एक प्राचीन मंदिर को डूबा पाया था। झील के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ पुरुष और स्त्री शक्तियाँ मिलती हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में तीसरा चक्र पत्थरों की पहाड़ियों के बीच स्थित माना जाता है। उलुरू एंड काटा टिजोता पत्थरों के इस जमावड़े से बना तीसरा चक्र शरीर के उस चक्र से मिलता जुलता है जो पेट के बीचों बीच स्थित होता है। स्थानीय लोग इस जगह के बारे में कई कहानियां कहते रहते हैं। इसके अलावा आध्यात्मिक विशेषज्ञ भी यहाँ की अलौकिक ताकत की बात करते हैं। चौथा चक्र हृदय चक्र है, जो किसी एक जगह नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में फैला हुआ है। इस शरीर में हृदय स्थान पर मौजूद ये चक्र शरीर और मन को संतुलन देता है। धरती में ये चक्र दक्षिणी इंग्लैंड के ग्लास्टनबरी और शेफ्टेसबरी में स्थित है। यहाँ तक कि स्टोनहेंज में भी इसका विस्तार माना जाता है। पांचवा चक्र जिसे कंठ चक्र कहते हैं, इसके नाम से ही जाहिर है कि ये गले के मध्य में स्थित होता है। यहीं धरती पर ये पांचवा चक्र इज़राइल में स्थित माना जाता है। इज़राइल के यरूशलम के अलावा इस चक्र की उपस्थिति की बात इजिप्ट माउंट सिनाई में भी कही जा चुकी है। ये चक्र संवाद से जुड़ा हुआ है। कई विशेषज्ञ यह मानते हैं कि इस समय मिडिल ईस्ट में जो उथल पुथल मची हुई है, वो धरती के इस चक्र की मदद के लिए गुहार है। छठवां चक्र धरती में इंग्लैंड के ग्लास्टनबरी नाम की जगह पर स्थित है। शरीर में ये चक्र दोनों नेत्रों के बीच यानी माथे के ठीक बीचों बीच में स्थित है। धरती पर मौजूद इस चक्र के बारे में माना जाता है कि अपनी जगह बदलता रहता है, जो कि पृथ्वी के लगातार परिक्रमा के कारण होता है। फिलहाल ये चक्र ग्लास्टनबरी में स्थित है। सातवां और अंतिम चक्र तिब्बत के कैलाश पर्वत पर स्थित माना जाता है। इस जगह के बारे में वैसे भी वैज्ञानिकों से लेकर
अध्यात्म के जानकार कई तरह की बातें करते रहते हैं। माना जाता है कि इस जगह का दूसरे लोक से यानी पारलौकिक ताकतों से सीधा संबंध जुड़ता है। हालांकि स्थानीय लोग इस ऊंचाई तक जाने को सात ताकतों के साथ छेड़छाड़ मानते हैं और पर्वतारोहियों को भी ऐसा करने से रोकते हैं। मित्रों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, साथ में शेयर भी करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।